तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में तीसरी बार टीबी मरीजों के बीच किया गया पोषण आहार का वितरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा तीसरी के 10 टीबी मरीज को कार्यक्रम आयोजित कर सामग्री दी गई। इसके साथ ही मरीजों को दवा के साथ बढ़िया पोषण प्रतिदिन लेने का तरीका बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चिकित्सा प्रभारी रंजीत कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित टीबी रोगी, गणमान्य लोग व स्थानीय लोगों को संबोधित कर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि तीसरी प्रखंड की ओर से पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के वासियों को की ओर से सांसद अन्नपूर्णा देवी एवं नरेंद्र भाई मोदी के प्रति अपार आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आह्वान पर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर अन्नपूर्णा देवी द्वारा पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को गोद लिया गया है। उन्हीं के उद्देश्य को लेकर आज तीसरी बार पोषाहार वितरण किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि टीबी मुक्त अभियान में 90% की सफलता मिल चुकी है। भारत से टीबी मुक्त कराने के लिए सभी का साथ व सहयोग की जरूरत है। अपने क्षेत्र में टीबी मरीज की सूचना हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल व तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दें। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर माहेश्वरम हरीशा, शंकर वनवाल, मिनहाज अंसारी, निर्मल फौजदार, चंदन कुमार, मिथिलेश पांडे, रणवीर कुमार सहित कई लोगों का सहयोग रहा। और मैं इस तीसरी प्रखंड की ओर से पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के वासियों की ओर से मैडम अन्नपूर्णा देवी जी एवं नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने माने जिनके आह्वान पर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इन्हीं उद्देश्य को लेकर के मैडम अन्नपूर्णा देवी ने पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को गोद लिया है और उन्हीं उद्देश्य को लेकर के आज तीसरा बार पौष्टिक आहार का वितरण टीबी पेशेंट के बीच में किया गया है।